नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मेहता जस्ट न्यूज से। संजय जी की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए हमने वृक्षारोपण किया और उनकी याद इन पौधों के रूप में हम सबके बीच में हमेशा बनी रहेगी। नमस्कार, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में हमारे संजय भाई जो एक साल पहले चले गए थे, उनकी याद में उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को, जिनमें से एक कार्य वो निरंतर प्लांटेशन का कराते थे, उसे लेकर उनके परिवार ने, राधेश ने जो उनके सुपुत्र हैं, आरती जी ने और बिटिया ने, सब ने मिलकर अपने आसपास के पार्कों में प्लांटेशन कराई और समस्त कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के उनके साथ जुड़े हुए थे वे सब आए हैं और उन्होंने आकर भव्य भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया और आगे भी हम इसी तरह उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चल के निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम किशन सिसोदिया है। आज हम यहाँ संजय पुरी जी की पुण्यतिथि पर आए हुए हैं और संजय पुरी जी हम सबके दिलों में अमर हैं और अमर रहेंगे। उनके द्वारा किए हुए कार्य हम सबको प्रेरणा देते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि संजय पुरी जो कार्य किए हैं वो जनकपुरी के में इतिहास रच रहे हैं। संजय पुरी और जनकपुरी जी का नाता एक माँ बेटे नाता था, क्योंकि संजय पुरी नहीं रहे तो जनकपुरी आज वीरान हो चुकी है। हमें हमेशा संजय पुरी जी की कमी खलती रहेगी, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और हम ये विश्वास दिलाते हैं हम संजय पुरी जी के दिखाए हुए रास्तों पर आदर्शों पर चलते रहेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार सबको, मेरा नाम अनु टंडन है। मैं A1A ब्लॉक जनकपुरी की निवासी हूँ। भैया A1A ब्लॉक में ही जब से आए थे संजय पुरी जी, तो उनके साथ ही एसोसिएटेड हूँ और उनका काम करने का तरीका हमने देखा था। आज मन बहुत उदास है आज कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका ही वॉज वन मैन आर्मी, उनका इतने वेल ऑर्गेनाइज थे, हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। मैं अपने ब्लॉक की भी जनरल सेक्रेटरी रही 12 साल और भैया के पदचिन्हों पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, आज संजय भैया के यहाँ हम लोग आए हुए हैं तो दुखी मन से ही कहना पड़ रहा है, क्योंकि भैया हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन हमारे साथ ज़रूर हैं। उनके बताए हुए रास्ते जो भी थे प्यार के, परिवार बनाने के और मित्रता का, और जिस तरीके से उनका व्यवहार था, वो सब हमारे बीच में अभी भी वैसे ही है और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। जब तक अपना जीवन हमारे साथ है तब तक हम संजय भैया के साथ हैं। नमस्कार जी, आज हम लोग संजय भैया को श्रद्धांजलि देने आए हैं। संजय भैया से हमारा पारिवारिक रिश्ता तो था ही और दिल से बहुत अटैचमेंट था। जो क्षति हमें क्या पूरे जनकपुरी क्या पूरे दिल्ली को संजय भैया के जाने से पहुंची है वो तो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन हम लोग उनकी ये जो संस्था है संरक्षण,
इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हमेशा इनको अपने दिलों में और लोगों में जीवित रखेंगे। इनको यही हमारी आज श्रद्धांजलि है। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक एक साल पहले हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री संजय पुरी जी इस दुनिया से हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनका नाम और उनका जो काम और उनकी जो पहचान हम लोगों के साथ जुड़ गई है वो हमारे से कोई नहीं छीन सकता। और जो उन्होंने अपने जीवन में सारे काम करे, जैसे उनका प्रमुख काम होते थे जीवन को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो हमेशा पेड़ लगाते थे, तो उनकी याद में आज एक साल, ठीक एक साल के बाद हम लोग पेड़ लगाने का प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही साथ आज उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और हम सब उनके परिवार के साथ इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे और उनके साथ इसी तरीके से उनके परिवार के साथ उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा और हम इसी तरीके से जीवन में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते रहेंगे। और हम ये आशा करते हैं कि जो काम संजय पुरी जी करके गए हैं, हम सब लोग मिलके उन कुछ कामों को अंजाम देने का हम करें। जनकपुरी के अंदर उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य करे और साथ ही साथ उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूत करा जनकपुरी के अंदर। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए जस्ट न्यूज़।